नमस्कार, किरण्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है तो फ्रेंड्स खाना खाने की हमारी अनिच्छा ही रहती है, लेकिन अगर खाने में कोई भी चटनी अगर शामिल कर ली जाए तो उससे खाने का टेस्ट बढ़ जाता है और हमारा मन भी खाना खाने के लिए करता है। तो आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही टेस्टी ड्राई गार्लिक की चटनी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। देखिएगा, पास से इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनी बनकर तैयार हुई है और इसे हम सारे स्नैक्स के साथ में बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। मैंने इसमें लहसुन का प्रयोग किया है, अगर आप लहसुन न खाते हो तो उसे स्किप कर सकते हैं। उसके बगैर भी मैंने इसमें जो भी चीज़ें डाली है वो आप डालकर और अपनी चटनी को बना सकते हैं। और इसे हम बनाकर 8-10 दिन के लिए फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगी। और फ्रिज में अगर हम इसे रखेंगे तो और थोड़ा इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो आइए जल्दी से इस मज़ेदार ड्राई चटनी को बनाना शुरू करते हैं। लहसुन की सूखी चटनी बनाने के लिए आधा कटोरी मैंने लहसुन लिया है, इसका छिलका हटा दिया है। आधी कटोरी ही मूंगफली दाना है, 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा, 2 टेबलस्पून तिल्ली है सफ़ेद तिल, इसी के साथ मसाले 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर। फ्रेंड्स, ये चटनी इतनी अच्छी लगती है खाने में कि आप इसे एक बार बनाकर स्टोर कर लें और जब जी में चाहे किसी भी स्नैक्स के साथ या खाने के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले लहसुन को मैं खलबत्ते में डालकर थोड़ा सा कुचल लेती हूँ। लहसुन को मैंने इस तरह से कुचल लिया है, बस बड़े बड़े टुकड़ों में ही कुचल के तैयार किया है। मिक्सी में डालकर उसका हमें पेस्ट तैयार नहीं करना है। गैस पर मैंने कढ़ाई भी गर्म होने रख दी है और 1 छोटा चम्मच इसमें ऑयल डाल दिया है। अब फ्रेंड्स, मूंगफली हमारी कच्ची है तो हम सबसे पहले रोस्ट कर लेंगे। तो अब हम इसे हिलाते हुए 2-3 मिनट अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। बहुत जल्दी ही मूंगफली रोस्ट हो जाती है। मूंगफली से चट-चट की आवाज आई और सारे दाने इस तरह से क्रेक हो गए, मतलब हमारे दाने अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मूंगफली दाने रोस्ट करने में बिल्कुल भी ऑयल इस्तेमाल नहीं होता है, पूरा देखिए वैसा ही तेल रखा है, बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ। अब इसी ऑयल में हमने जो ये लहसुन कुचल के रखा है इसे डाल देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब धीमी आंच पर इसे भी हम थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए और इसकी एक अच्छी सी खुशबू आए। लहसुन अच्छे से कुक हो गया, आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया है। इसी में अब हम जीरा भी डाल देते हैं और जो हमने तिल्ली ली है उसे भी डाल देंगे और धीमी आंच पर ही 1-2 मिनट इसे भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तिल से भी चट-चट की आवाज आ गई है, मतलब तिल भी अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब लास्ट में हमने जो डेसिकेटेड कोकोनट लिया है वो भी इसमें डाल देंगे, इसे भी हम अच्छे से भून लेते हैं। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं क्योंकि हमारा ये पैन है ये गर्म है और नारियल इसी में अच्छे से भून जाएगा। तो बस गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और 1-2 मिनट इसे हम अच्छे से हिला लेते हैं ताकि उसमें इसकी सिकाई अच्छी हो जाएगी। और फ्रेंड्स, मूंगफली दाने जो हमने रोस्ट करके रखे हैं और ये वाला जो पूरा मिश्रण है लहसुन के साथ में तिल्ली का और नारियल का, ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा, फिर हम मिक्सी के जार में डालकर इसे पीसेंगे। हमारा चटनी का मिक्स ठंडा हो गया तो मैंने उसे चटनी वाले जार में निकाल लिया है, छोटे वाले जार में। मूंगफली दाने भी पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं, इसे भी हम जार में डाल देंगे। और फ्रेंड्स, हमने जो नमक और लाल मिर्च पाउडर लिया था वो भी इसी के साथ में डाल देंगे ताकि सब चीज़ों के साथ में मसाले भी अच्छे मिक्स हो जाएंगे। तो हमने जो 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है और 1 चम्मच ही नमक लिया है, इसे भी हम इसी में डाल देते हैं। अगर आपको नमक मिर्च थोड़ा सा कम डालना हो तो आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। बस अब हम इसकी चटनी पीस के तैयार कर लेते हैं। हमारी गार्लिक की ड्राई चटनी बनके तैयार हो गई है। देखिए, मैं आपको इसके पास से भी इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। मैंने इसे इस तरह से दरदरा पीसा है, बहुत बारीक हमने नहीं किया, पाउडर वाले फॉर्म में रहता है तो वो मजे नहीं आती है। तो ये हमारी चटनी कुछ इस तरह से दरदरी बनके तैयार हो गई है। और फ्रेंड्स, किसी भी स्नैक्स के साथ में इसे इंजॉय किया जा सकता है। जैसे कि हम पूरी या पराठा भी बनाते हैं तो उसके बीच में इसे
अच्छे से 1.5 चम्मच के करीब लगा के गोल रोल बना दें तो बच्चे इसे खुशी खुशी खाएंगे। ऐसे ही अगर हमने इडली भी बनाई है तो इडली जैसे हम फ्राई बनाते हैं तो फ्राई न करते हुए इडली के ऊपर भी हम इस चटनी को डालकर इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा और ऐसी ही मज़ेदार आसान सी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।